एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सब अच्छे होंगे और सबकी स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन 12 किया था, पीपल हु हेल्प अस, एंड टुडे वी रीड न्यू लेसन, लेसन 13, एंड द लेसन नेम इज मोर अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम जानेंगे इस लेसन में कि प्लांट्स क्या है, उनके पार्ट्स के बारे में और यूजेस ऑफ प्लांट्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम ये लेसन में रीड करेंगे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। एंड टुडेज टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के क्या क्या पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम आज रीड करेंगे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट क्लास में आपने काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में रीड किया होगा। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो कुछ आज हम कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में रीड करेंगे। आप बोर्ड पे देखोगे कि एक मैंने प्लांट्स के ड्राइंग की है एंड इसके कुछ पार्ट्स हैं। ओके, जैसे फर्स्ट ऑफ आप देखोगे ये क्या है, फ्लावर है ना, SLOWER, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम, रूट, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। आई रिपीट इट अगेन, फ्लावर, फ्रूट्स, लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम एंड रूट, ये सब क्या है, प्लांट्स के पार्ट है और सारे पार्ट का कुछ ना कुछ यूज है। जिस तरह से आपके बॉडी पार्ट है तो उसमें बहुत सारे पार्ट है, जैसे आईज, नोज, ईयर्स, टंग, टीथ, सबका यूज है, सबका अपना अपना काम है। जिस तरह से आई से आप सी, आईज सी, नोज स्मेल, टंग टेस्ट, उसी तरह से जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनके भी अलग अलग वर्क होते हैं। आप ये पेज नंबर 74 में रीड करोगे। फर्स्ट ऑफ फ्लावर के बारे में हम रीड करते हैं। द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट। फ्लावर क्या है, फ्रूट का ही फॉर्म्स है। एंड सेकेंड हम पढ़ रहे हैं फ्रूट। मोस्ट फ्रूट्स कंटेन सीड। बहुत सारे फ्रूट में क्या होते हैं, सीड होते हैं, है ना। सीड भी क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट। सीड भी पार्ट्स ऑफ प्लांट है, ये सारे क्या है, सीड है। ओके, सीड। अब फ्रूट में है वन, फ्यू और मैनी सीड, और फ्रूट में एक सीड होती है, कुछ सीड होते हैं और बहुत सारे सीड्स होते हैं। अब मैंगो हैज ओनली वन सीड। अगर आप आम खाते हो, मैंगो खाते हो, तो उसमें कितने सीड रहते हैं, वन सीड रहते हैं। एप्पल्स एंड ऑरेंज हैव फ्यू सीड। एप्पल और ऑरेंज में कुछ सीड होती है, बट पपायास एंड वाटरमेलन हैव मैनी सीड। लेकिन पपाया और वाटरमेलन में क्या होते हैं, बहुत सारे सीड होते हैं। ओके, फिर है नेक्स्ट लीफ। लीफ का क्या काम है, तो लीव्स डिफर इन शेप एंड साइज। सभी प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, पत्तियां होती है, वो अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में होती है। ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से मैंगो फ्रूट के, मैंगो ट्री के जो लीफ होते हैं, उसी तरह से पपाया ट्री के लीफ होते हैं। सबके लीफ क्या है, अलग अलग है, सबकी शेप अलग है, सबकी साइज अलग है, डिफरेंट है, और सबके कलर भी डिफरेंट होते हैं, बट जनरली ग्रीन इन कलर में रहते हैं, कोई डार्क है, कोई लाइट ग्रीन रहता है। द फूड फॉर द प्लांट इज प्रिपेयर्ड इनसाइड लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। जिस तरह से आपके लिए खाना आपकी मम्मा बनाती है, उसी तरह प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को भी खाना चाहिए, और उसके लिए खाना कौन प्रिपेयर करता है, जो लीफ होती है वो प्लांट्स के लिए क्या करती है, खाना प्रिपेयर करती है। किससे, सनलाइट, एयर और वाटर से लीफ प्लांट्स के लिए प्रिपेयर करती है क्या, फूड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका स्टेम। स्टेम का क्या वर्क है, इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट रखता है, खड़े रखने में हेल्प करता है। एंड इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये प्लांट के दूसरे पार्ट में वाटर और फूड पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, ये स्टेम। ओके, रूट। नेक्स्ट है आपका रूट। इट फिक्सेस द प्लांट टू द
निकालोगे ना तो देखोगे इसकी रूट में बहुत सारी मिट्टी लगी रहती है, तो रूट्स फैले हुए रहते हैं और सॉइल को पकड़े हुए रहते हैं, तो इससे क्या होता है, प्लांट्स क्या होता है, फिक्स रहता है। इट टेक्स इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और ये मिट्टी से पानी, जैसे हम पानी डालते हैं तो मिट्टी में जाता है, और उस मिट्टी से वो पानी लेती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है, और फिर स्टेम के द्वारा ये सारे पार्ट्स में क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा हो गया पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। और आपके लिए वर्क है कि इस तरह से आप पार्ट्स ऑफ प्लांट बनाओगे घर पे और रीड करोगे उसके पार्ट्स। द सीड, अब है सीड, सीड का क्या वर्क है, द सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट इनसाइड इट व्हिच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ एयर वाटर सनलाइट एंड गुड सोइल। अब जो सीड होते हैं, जो बीज होती है, उससे क्या निकलते हैं, बेबी प्लांट को, बेबी प्लांट निकलते हैं। अगर किसी सीड को आप अच्छे से मिट्टी में डालो, उसको बराबर एयर मिलेगी, वाटर मिलेगी, सनलाइट मिलेंगे और अच्छी मिट्टी में रहेगी, तो उससे एक न्यू बेबी प्लांट बनेगा और वो बेबी प्लांट बड़ा होकर एक प्लांट बन जाता है। सम प्लांट्स आर स्लाइटली डिफरेंट, दे स्टोर देयर फूड इन अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड रूट्स। कुछ प्लांट्स डिफरेंट होते हैं और वो अपना खाना और पानी कहाँ पे जमा करके रखते हैं, स्टेम्स में जमा करके रखते हैं और रूट में जमा करके रखते हैं, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, ऑनियन और कॉमन अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट वी ईट। जैसे हम आलू खाते हैं, अदरक खाते हैं, प्याज खाते हैं, तो ये सारी पानी ये अपने कहाँ, अपने स्टेम्स में जमा करके रखते हैं। बी ऑल्सो रूट, और कुछ हम रूट भी खाते हैं, जैसे कि कैरोट एंड बीट, तो ये भी पानी अपना रूट में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट्स ऑन लैंड, लैंड पे कैसे कैसे टाइप के प्लांट्स हैं उनके बारे में क्या है ये रीड करना है। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, प्लांट जो है अलग अलग तरीके से लैंड पे बढ़ते हैं एंड प्लांट्स अलग अलग तरीके के हैं, जैसे ट्रीज, ट्रीज आर बिग प्लांट्स, दे हैव ए सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड ए ट्रंक। ट्री जो है बिग प्लांट्स होता है और उसका जो स्टेम जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा मोटा सा स्टेम होता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, ट्रंक, ओके, ये ट्री कहलाता है, जैसे कि नीम ट्री, मैंगो ट्री, बेनियन ट्री, एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज, नीम, मैंगो, बेनियन, आप पेज नंबर 75 में देख सकते हो, इनको हम ट्रंक कहते हैं। श्रब्स, श्रब्स आर जनरली स्मॉलर देन ट्रीज, और जो श्रब्स होते हैं वो ट्रीज से छोटे होते हैं एंड दे हैव मेनी थिन वुडी स्टेम्स नियर द ग्राउंड, और बहुत सारे मेनी थिन वुडी स्टेम्स रहते हैं एंड सो दे अपीयर लाइक ए बुज, और वो झाड़ियों जैसे बने रहते हैं, जैसे रोज, हिबिस्कस एंड कॉटन प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब। रोज प्लांट्स को आप देखोगे, हिबिस्कस प्लांट्स को देखोगे, कॉटन प्लांट्स, ये सब श्रब्स हैं, ओके। नेक्स्ट है हर्ब्स, हर्ब्स आर जनरली स्मॉलर देन द शर्ब, हर्ब्स जो होते हैं वो शर्ब से छोटे होते हैं और ये सिंगल होते हैं, नॉन वुडी स्टेम, इसका स्टेम जो वुडी नहीं रहता है, जैसे कि मिंट, कोरिएंडर, स्पिनेच आर एग्जांपल ऑफ हर्ब्स। जैसे आप पुदीने की पत्ती, पुदीने देख लोगे, धनिया पत्ता जो हरा धनिया है, पालक है, ये सब क्या कहलाते हैं, हर्ब्स, और इसके स्टेम बिल्कुल ऐसे पतले होते कि आप तोड़ोगे तो तुरंत टूट जाती है। फिर है क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स क्या है, क्लाइंबर्स हैव ए वीक स्टेम्स एंड नीड द सपोर्ट ऑफ द अदर प्लांट्स। क्लाइंबर जो प्लांट्स होते हैं उसके स्टेम बिल्कुल ऐसे ऐसे रहते हैं और उसको सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट की जरूरत पड़ती है और वो उस पे ऐसे ऐसे करके चढ़ते हैं, जैसे कि दीवार चाहिए, लकड़ी का, लकड़ी खड़े कर दो या दीवार पे, वॉल्स पे वो चढ़ते हैं, जैसे ग्रेप वाइन, बीन, बिटर गॉर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। करेले है ना, ग्रेप वाइन, अंगूर, ये सब क्या है, क्लाइंबर्स प्लांट है। नेक्स्ट है आपका क्रीपर्स, क्रीपर्स है बिग स्टेम्स एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और क्रीपर्स का भी स्टेम जो होता है वो क्लाइंबर्स से भी वीक रहता है और वो पूरे ग्राउंड पे ही इस तरह से क्या होता है, फैलता है इस तरह से, ओके। जैसे कि वाटरमेलन एंड स्ट्रॉबेरी आर एग्जांपल ऑफ क्रीपर्स, तरबूज जो हम लोग खाते हैं ये क्रीपर्स है और ये नीचे ग्राउंड पे फैलता है,
तो इस तरह से ये प्लांट्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये सब हो गए। नेक्स्ट आप इसको क्या करना है, रीड करना है और इसको समझना है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।